नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के। मानपुर अब गिलामे के दो कॉम्प्लेक्स एंड रिलायंस स्मार्ट बाजार का उद्घाटन मोहम्मद कामरान अख्तर की मां ने फीता काटकर कर किया। वही स्मार्ट बाजार के मोहम्मद कामरान अख्तर ने कहा, एक ही छत के नीचे अधिक बचत के साथ प्रोडक्ट्स के अविश्वसनीय दर और शानदार खरीदारी का अनुभव देने के लिए स्मार्ट बाजार का आज शुभारंभ हुआ है और दैनिक जीवन की जरूरत के सामान की खरीदारी किफायती दरों पर है। जब आप यहां खरीदारी करते हैं तो आपको सभी घरेलू सामान जैसे किराना, व्यक्तिगत देखभाल, घर की सफाई के उत्पाद, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सभी चीजों पर अधिक से अधिक बचत प्राप्त करने का स्मार्ट का बाजार का वादा है। कुछ खाने के लिए, कुछ सामानों के लिए बाहर हमें जाना है, फुल पार करना है, ट्रैफिक का इशू था, बहुत सारे इशू थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण करवाया और इनको रिलायंस वाले को इन्विटेशन दिया कि आप आइए यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें अच्छी है कि आपको जीरो ट्रैफिक में आप पहुँच रहे हैं 22 किलोमीटर दूर से। उसके बाद आपको कार पार्किंग, बाइक पार्किंग सबकी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और इन लोगों का भी अच्छा रहा है कि इन लोगों ने ऑफर डाल दिया कि 15% और 10% वो अलग है। यहाँ पर मानपुर परखंड और बजरंग परखंड लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। तो ये जो हम लोग हमेशा से सोचते थे बाजार जाना है और शहर जाना है, ये कॉन्सेप्ट सुनते चले आ रहे थे, ये चीज़ें को चेंज करना है। और जितने भी लोग हैं सब लोगों का सहयोग रहा, हमारे गाँव वाले, हमारे दोस्त, हमारे आस पास के लोगों ने, वो सब ने इनका सहयोग रहा और सब उपस्थित हैं। ग्रोसरी के साथ साथ और क्या क्या आइटम है? कपड़े का आइटम है, बहुत सारे कपड़े, जेंट्स के, लेडीज के, बच्चे के, और खाने पीने के सारी चीज़ें आपको, मतलब यहाँ पर सब कुछ मिल जाए। एक बार आप गए तो फिर समझिए कि सारी कुछ मिले, कहीं पे आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना ट्रैफिक मतलब प्रॉब्लम में जाने के लिए कि आपको जाना ही जाना है। बेसिक रेट तो हर के पास की राइड बनता है बेसिकली, तो वही हम लोग राइड से अछूत थे। ठीक, तभी हम लोग अवेलेबल होंगे, सब कुछ पास में है। इस बार भी विशेष ऑफर दी जा रही है, क्या क्या ऑफर है जी? क्या क्या ऑफर है इसमें? ऑफर जैसे कि डेली इन लोग का 5-10% डिस्काउंट चल रहा है। उसके दिन लोगों ने ओपनिंग के टाइम 15-20 दिन के लिए इन लोगों ने ऑफर निकाल कर रखा हुआ है। 10% 1000 का कूपन है तो उसमें जो है वो अलग से ऑफर दिया हुआ 10%, 5%। बाकी इन लोग की तो प्लान है, बड़ी कंपनी है, इंडिया लेवल पे है, तो इन लोगों को तो बड़ी बड़ी स्कीम वगैरह इशू करते रहते हैं। तो स्टोर में से कनेक्ट रहिए और सारे ऑफर का मेल आपको मिल कर, कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। मैं कमल अख्तर और यहाँ पर स्टोर मैनेजर मिस्टर सचिन है। ठीक, इंट्रोडक्शन है सर। मैं मोहम्मद कामरान अख्तर, निवासी आपकी का। इस तरह के स्मार्ट बाजार खुल जाने से इस क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, क्षेत्र नहीं, क्षेत्र जितना आप देखेंगे गया ज़िला को, तो गया ज़िला आज चौमुखी विकास के रास्ते पर, और इस तरह की चीज़ खोलने से बहुत ज़्यादा विकास का रास्ता खुल जाता है। आप बताइए कि आज अगर आप देखें तो शहर का जितना भी चौक चौराहा है वो डेवलप हो रहा है। ये क्षेत्र थोड़ा अछूता था, लेकिन आज कामरान साहब की मेहनत से ये क्षेत्र में भी एक स्मार्ट बाज़ार पॉइंट ओपन हो गया, जिसके कारण हमें लगता है कि इधर की जो बड़ी आबादी है उसको बहुत सुविधा होने जा रही है और उनको सारी चीज़ें वन स्टॉप पर आपको मिलने जा रहा है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो विकास के लिए हमें लगता है कि एक सूत्रधार ये भी है रिलायंस पॉइंट, और आप गिला वालों के लिए, मानपुर वालों के लिए, वजीरगंज वालों के लिए, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट होने जा रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से कामरान साहब, इनकी टीम और रिलायंस के सारे ऑनर्स और एम्प्लॉयज़ को मुबारकबाद देना चाहूँगा और ख़ासकर इस मोहल्ले के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आइए और इसको एक बार इस पर का एक्सपीरियंस कीजिए कि किस तरह का ये मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कि यहाँ आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है, जाम है, तो हम लोगों ने फैसला किया था कि अगर इस जगह पर एक मॉल बन जाए, अच्छा किस्म का मॉल बने तो सबको आता है। आस पास में जितने भी गाँव है, मोहल्ला है, ये सबको आता है। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी चीज़ देगा क्वालिटी एक नंबर रहेगी, भी माल मिलेगी। बड़े बड़े मॉल में यही खूबी है कि चीज़ ऑनलाइन मिलती है, दो नंबर रेट भी डाउन कर देती है, मार्केट से लौट लेकर डाउन है। आप इस चीज़ को अपना, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ मार्केटिंग कर लूँगी, लेकिन हमने चीज़ देखा, बाजार की चीज़ भी देखा, यहाँ की चीज़ बहुत बड़ा एसेट है हम लोग के लिए।
दुआ करेंगे कि और इसको तरक्की दें। आस पास के लोग आए देखें। तमाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम फरीद मोइन बबलू है। यहाँ पर आने के लिए और इस मॉल के पीछे खुलने के पीछे बहुत सारे रीजन्स है और बहुत सारे ऑप्शंस थे लोगों के पास कि हम लोग कौन से सेक्टर में अपना कदम रखें। हम लोगों ने पहले सोचा कि वेडिंग हॉल, फिर मैंने सोचा कि नहीं वेडिंग हॉल्स तो इस एरिया में बहुत सारे अवेलेबल है, फिर सोचा हॉस्पिटल्स, फिर सोचा कि हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, तो ऐसा क्या है इधर जो इस तरफ नहीं है। तो पता चला कि यहाँ पे ग्रॉसरी का कुछ ऐसा बड़ा शॉप, बड़ा मार्केट नहीं। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये ग्रॉसरी, सबसे ज़्यादा फैमिलीज, चूँकि ये ग्रॉसरी के आइटम्स में फैमिलीज इन्वॉल्व है। अगर उस पार जाना है, मार्केट जाना है, तो ओनली 10% ही जेंट्स जाते हैं, ये काम लेडीज़ का है जनरली। तो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और लोकल लेडीज़ आके शॉपिंग कर सकें, तो ये हमारा मोटिव था। और इस बीच रिलायंस से भी हम लोगों की बात हुई और रिलायंस ने बहुत सहयोग किया इसमें और आज मार्केट बनकर तैयार है और एवरीबडी इज़ हैप्पी इन दिस रीजन। परिचय दीजिए अपना। आप भी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, आज हमारे मित्र सैयद कमरान अख्तर ने अबीला मानपुर क्षेत्र में स्मार्ट बाज़ार लाने का काम किया, अब आज इसका शुभारंभ है। इस अवसर पे हम अपने कमरान अख्तर उर्फ विक्की को और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये अबीला मानपुर और वजीरगंज विधानसभा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है स्मार्ट बाज़ार। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप इस स्मार्ट बाज़ार में आए, अब आकर जो है यहां पे नई नई चीज़ें हैं इसको देखें और यहां से परचेज करने का काम करें। इसके लिए कि हम सभी अब जिला मानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देने का काम करते हैं। परिचय बता दें। नैयर अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक परिषद, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार। उनको बहुत तहे दिल से मुबारकबादी देता हूँ और एक अबीला के लिए अच्छी चीज़ यहाँ, जैसा जो लोग बोलते थे अबीला के लिए कि कौन जाना है, बाजार जाना है, तो अब यहीं आ गया है सब कुछ अबीला लोग, अबीला वासियों के लिए। और पूरे इसके तरफ, अपने तरफ से, पूरे अबीला के तरफ से छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।